everyone, it's Biku and welcome back to my channel. And today we are going to learn 3 tips on cohorts transitioning. In 3 tips se aapko bahut zyada aasani hogi cohorts transition karna. I think jab hum beginner hote hain to sabse zyada mushkil yehi lagta hai, jaise A minor to C ja rahe hain to aisa lagta hai ki hum bilkul perfectly nahi ja pa rahe hain aur hamare jo cohorts ke note hain wo bilkul perfect sound nahi karte. Kai baar jaise maan lo aap C play kar rahe ho to 5 ki 5 strings acche se nahi bajti, aisa lagta hai ki it's not a क्लियर. इट्स ऐसा लगता है जैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोवर्ड, कोई ना कोई नोट है बीच में जो बज कर रहा है. सो आज हम इस चीज़ के बारे में करेंगे कि कैसे आप कोवर्ड में ईजिली ट्रांजिट कर पाओ. सो पहला टिप क्या है? पहला टिप ये है कि जब आप ए माइनर टू मान लो सी में जा रहे हो, लेट्स से आप ए माइनर से सी में जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको सी की शेप, पहले आपने ए माइनर पकड़ी थी, सी की शेप हवा में ही बनानी है. यू नो लाइक जो फर्स्ट टिप है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट आपको शेप बनानी है कॉर्ड की एयर में ही. ओके, लाइक ए माइनर टू सी में गए तो ये, और उसके बाद आपको जैसे आप लैंड करते हो उस टाइम पे आपको प्ले करना है. ठीक है, जैसे मान लो ये ए माइनर टू, ये आपने ए माइनर प्ले की, तो आप क्या करोगे, एयर में ही ये पोजीशन बनाओ कि बिफोर लैंडिंग आपकी सी शेप पूरी बन जानी चाहिए कॉर्ड की. दैट इज़ द की. तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है धीरे धीरे. और फिर आप मान लो जी में जा रहे हो तो अब डी. जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें, आप कोर ट्रांजिशन की प्रैक्टिस करोगे, तो ये मेक श्योर यू नॉट लाइक दिस कि आप सी में पहुंचे भी नहीं, पहले प्ले कर दियो फिर आप सी टच कर रहे हो. तो ये ध्यान रखना है कि पहले ए माइनर हवा में उसकी शेप नेक्स्ट कोर्ड की, और फिर आप उसको लैंड करोगे एंड देन. ओके, तो स्टेप्स क्या रहेंगे? सबसे पहले हमारी है प्रीवियस कॉर्ड जो आपने पकड़ी हुई है, दैट इज़ ए माइनर. ठीक है, फिर आपने शिफ्ट करना है सी में, तो आप पहले सी की शेप बनाओगे हवा में ही, फिर आप उसको लैंड करोगे एंड देन यू विल प्ले. सो देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व: प्रीवियस कॉर्ड, लैंडिंग शेप एंड देन लैंडिंग एंड देन प्ले. सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो. सेकेंड टिप क्या है कि सेकेंड टिप ये है कि जब आप कॉर्ड प्ले करोगे, जब आप बिगिनर होते हो ना, तो आपके हैंड्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, आपकी फिंगर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती. जैसे मान लो अगर आपने ए माइनर कॉर्ड पकड़ी है और आप प्ले कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसा नोट होगा जो या तो बज नहीं रहा होगा या बज कर रहा होगा. तो आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ का ध्यान देना है हर वक्त कि आप जो है हर फिंगर पे, जो फिंगर आप यूज़ कर रहे हो फॉर कोवर्ड शेप फॉर पैटर्न, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जबकि हर एक फिंगर है उसके टिप से आप प्ले कर रहे हो, प्लस आप इक्वल प्रेशर डाल रहे हो. आप ये कैसे पता चलेगा कि आप इक्वल प्रेशर डाल रहे हो कि नहीं? जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको बीच में रुकना है और नोटिस करना है. आप पहले आपने प्ले किया, फिर आपको पता चलेगा जो स्ट्रिंग बज कर रही है, आपने प्ले किया, जो स्ट्रिंग बज कर रही होगी मतलब उसमें आपने थोड़ा लाइट प्रेशर डाला हुआ है और बाकी की फिंगर्स पे आप ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो. तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक, एक्चुअली ये शुरू में होता ही है, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आपकी फिंगर्स में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी की होनी चाहिए कॉर्ड्स प्ले करने के लिए. सो इसलिए ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और कई बार हमारी कोई एक नोट होता है जो हमने ढंग से नहीं पकड़ा होता, पावर से आपको उसको प्रेस डाउन करना चाहिए, आप उतने पावर से नहीं कर रहे हो. और इसलिए कई बार क्या होता है, जब आप प्ले करते तो कुछ स्ट्रिंग जो है बज नहीं रही होती, अब दूसरे देखना है ये बज रही है. सो आपको क्या करना है, मिडल फिंगर में है जो ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया मैंने, तो मैं क्या करूँगी, उसको थोड़ा और अच्छे से प्रेस डाउन करूँगी स्ट्रिंग को, एंड देन इट विल प्ले. सो ये बहुत कॉमन है कि आपका ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी. जैसे आप जी प्ले कर रहे हो तो आप नोट करोगे कि आपकी रिंग फिंगर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या आपकी पिंकी फिंगर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं, जितना आप इससे प्रेस कर पा रहे हो उतना आप इससे नहीं कर पा रहे. तो ये प्रैक्टिस से होगा. आपने करना क्या है, बस सेकंड टिप के लिए प्ले करना है. प्ले करने के बाद आपको देखना है कि आपकी सारी स्ट्रिंग, आपकी सारी स्ट्रिंग जो है अच्छे से प्ले हो रही है, और वो किसी और स्ट्रिंग को टच तो नहीं कर रही है. ओके, और अगर आप ध्यान से देखो तो जब मैं प्ले कर रही हूँ, मेरा ए माइनर में जो थंब है वो ऊपर ऐसे आ रहा है, जी में भी ऊपर ऐसे आ रहा है, डी में भी, सी में भी, ई माइनर में भी.
सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका थंब जो पोजीशन है यहाँ पे होनी चाहिए। मुझे याद है जब मैं शुरू में प्ले करती थी मेरा थंब यहाँ नहीं आता था, तो ये चीज़ मुझे किसी ने बताई होती तो ठीक था। अब जैसे मान लो मैंने जो गिटार सीखा था वो दूसरे लोगों की वीडियोज़ देख देख के सीखा था, जैसे संगा जन की वीडियोज़ है, गैब्रिएला कबेरो की वीडियोज़। तो जब मैंने उनकी वीडियोज़ देखी थी तो मैंने ये चीज़ नोट करी थी कि उनका थंब कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, और धीरे धीरे मैंने देखा था मेरा थंब भी, जब शुरू में प्रैक्टिस करती थी तब मैं ऐसे करके कुछ प्ले करती थी कॉर्ड एंड ऑल, अब देख रहे हो मेरा थंब कहीं पीछे है, यहाँ पे नीचे इधर इस साइड है, इस साइड, जबकि आपका थंब ऊपर होना चाहिए, तो थंब ऐसे आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि आपकी थंब की पोजीशनिंग क्या होगी। लाइक 90% ऑफ द टाइम्स योर थंब इज गोइंग टू कम हियर, ऑलमोस्ट इन एवरी बेसिक कवर्ड इट इज गोइंग टू कम हियर, इन बार कवर्ड इट इज गोइंग टू गो बिहाइंड, बट मोस्टली इन नॉर्मल कवर्ड इट इज गोइंग टू कम हियर। एंड द लास्ट थर्ड टिप विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप is that you have to practice every single day. अगर आप मान लो आज प्रैक्टिस करते हो इस चीज़ की और फिर 3-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो जब आप उसका स्टार्ट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट शुरू से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड को प्रैक्टिस करवानी है आपने फिंगर स्ट्रेंथ बनाने की एंड मसल मेमोरी बनानी है। तो मसल मेमोरी सिर्फ तभी बनेगी जब आप उसकी प्रैक्टिस बार बार करोगे, डेली करोगे। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार मुझे कमेंट आता है कि इतना टाइम लगता है गिटार सीखने में, या कितना फास्ट सीखने का क्या तरीका है, ये वो, देर इज़ नो शॉर्टकट। लेट मी टेल यू दिस थिंग, अगर आपको लगता है कि आप किसी से पूछ के कोई आपको टिप मिल जाएगी ऐसी जो आपको ये बोल दे कि ये शॉर्टकट और आप ये पाथ में चले जाओ और आपको गिटार जल्दी आ जाएगा, नहीं। बट आई डू बिलीव दैट देर आर टू मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स वेन यू लर्निंग गिटार। फर्स्ट एंड दैट मोस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। सेकेंड इज दैट यू हैव टू प्रैक्टिस इट द राइट वे, क्योंकि अगर आप रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे हो तो काफ़ी टाइम बाद कभी ना कभी आपको रियलाइज़ ज़रूर हो जाएगा कि वो रॉन्ग है। क्योंकि देखो, जब आपको कोई सिखा नहीं रहा, आप इंटरनेट से सीख रहे हो, तो कुछ चीज़ें आप गलत भी सीख सकते हो, इट्स ए नॉर्मल थिंग। मैंने भी बहुत सी चीज़ें गलत सीखी थी और धीरे धीरे मुझे पता चला था अच्छा इसको ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। सो इट टेक्स टाइम, सो बी पेशेंट एंड ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत नहीं है, आराम से करो। बट रिमेंबर कि दिन में, अगर मैं बताऊँ मेरे हिसाब से दिन में आपको आधे घंटे से एक घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आधा घंटा मेरे लिए तो बहुत कम है, मैं ये बोलूँगी एक घंटा, बट अगर आप एक घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा भी ठीक है। बट रिमेंबर डेली प्रैक्टिस, डेली इट्स लाइक एक्सरसाइज। अगर मान लो आपने प्रण लिया कि आपको जिम जाना है डेली, आप एक दिन जिम गए और 4 दिन नहीं गए तो क्या होगा, आपको ऑलमोस्ट शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। पर अगर आप उस 4 दिन में भी जा रहे होते तो 5वें दिन आपको और एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलती है और प्राउड फील होता है कि हाँ 5 दिन हो गए, यू काइंड ऑफ स्टार्ट टू फील ग्रेट, यू नो, अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली इसमें भी यही है कि आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द कमेंट सेक्शन एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।